आज का टॉपिक हमारा क्या है, मानव नेत्र में होने वाले दोष, यानी मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ रखे हैं हमारे टॉपिक्स में है, वो है हमारे कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांता, मोतियाबिंद, अबिंदुकता और रतौंधी। जिससे नॉर्मल वाले जो हमने पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन, रतौंधी व्यक्तियों के, ठीक है, मोतियाबिंद ज्यादा से ज्यादा सुना है आपने, वर्णांता उन्होंने सुना होगा जिन्होंने कभी मेडिकल चेकअप कराया होगा अपना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष आपने कोर्स में पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष है क्या, ठीक, पहले पढ़ेंगे ये है क्या, परिभाषा के अनुसार कैसे हम बता सकते हैं लोगों को कि हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। उसके बाद किस कारण से हुआ होगा ये, और उसके बाद इसका निवारण कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कारण भी पढ़ेंगे, किस कारण से हुआ, निवारण भी पढ़ेंगे और परिभाषा भी इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे, जैसे डॉक्टर के पास गए, हमें बताना है निकट दृष्टि दोष हुआ, तो हम अपनी घटनाएं बताएंगे कि हमें ये समस्या है, तो वो बताएगा कौन सा दोष है। तो ऐसी समस्याएं कौन कौन सी है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाएंगी। दिखाई देंगी दूर की, पर स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो जिस व्यक्ति का ऐसा रोग हो जाए जिसको निकट का अच्छा दिखाई दे, दूर का धुंधला दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। के मनुष्य के आंख में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो परिभाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जिस मनुष्य को यदि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अच्छा, किस कारण होता है, कारण इसका क्या है, तो कारण इसका नॉर्मल सा बेटा हम जानते हैं, आई बॉल हमारा जो नेत्र गोलक होता है, ठीक है, नेत्र गोलाकार होती है ना लगभग, तो जो नेत्र गोलक होता है नॉर्मल इतना है, परंतु जिसको ये रोग हो जाता है उसका गोला बड़ा हो जाता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकाश सिराएं आके यहीं टकराती हैं, अब जब दूर हो गया तो ऐसे निकल गई, और जब तक ये मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब बनता नहीं है, ठीक। तो ये इस प्रकार की कंडीशन हो जाती, फिर यहां पर जब तक मिल रही थी रेटिना थी तब तक दिखाई दे रहा था, परंतु जब ये रोग हो गया तब इस प्रकार का हो गया, ठीक, इस प्रकार का हो गया, तो अब वस्तु क्या होगी, नहीं दिखाई देंगी, क्यों, कब तक, जब तक दोनों सिराएं आपस में जाके मिलेंगी नहीं। तो कारण में लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना। अब अगर गोला बड़ा है तो पहले इतना था तो त्रिज्या ये, अब बढ़ गया तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा, पहले 2 सेंटीमीटर गोला अब 2.5 सेंटीमीटर का हो गया। तो नेत्र गोलक का बढ़ जाना पहला कारण, दूसरा इसकी रेडियस यानी इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है, नेत्र गोला की त्रिज्या बढ़ गई, ठीक। और तीसरा, अगर त्रिज्या बढ़ी है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं आर और एफ, ठीक है। तो तीन कारण लिख सकते हैं, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। जिस व्यक्ति के ये सब कारण आंख में हो गए उसको कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निवारण क्या है इसका, तो निवारण देखो, निवारण पढ़ लेते हैं, निवारण हाँ लिख रहे हैं, निवारण क्या देखो, ठीक है, निवारण में क्या लिखेंगे, कारण पढ़ लिया हमने, निवारण क्या है इसका, तो निवारण में कुछ नहीं, ये सब जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक, यहाँ पर वो यहाँ बन रहा है, इसको दूर करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर कुछ नहीं करता, चश्मा देगा और चश्मे में क्या लगा देगा, लेंस। अब ये जो लेंस लगा होगा ये होता बेटा अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल। तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस से बना चश्मा अगर अपने आंखों पर लगा लेंगे तो दोष अपने आप क्या हो गया, दूर, फिर हमें पास का भी स्पष्ट दिखाई देगा और दूर का भी स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष इसका जस्ट उल्टा। दूर दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई दे रही थी तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। जो नाम है वो दिखाई देगा, दिख तो रहा है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब ये लग रहा है दूर में दोष है, पर ऐसा नहीं है, उल्टा है। ये दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की दिखाई दे रही है और पास की नहीं दिखाई देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं हम। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो जिसको ये दोष हो जाता है उसको बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया बेटा, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, इसका कारण क्या है, तो इसका जस्ट उल्टा हमने पढ़ा, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, इसमें नेत्र गोलक का कम हो जाना, छोटा हो जाना, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया,
तो इससे अपोजिट लिखेंगे, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले व्यक्ति है ये, इसका जो चलेगा इसका वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर नेत्र गोलक इसका बढ़ रहा था तो इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें कारण लिखेंगे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अब गोला छोटा तो त्रिज्या भी क्या हो गई, छोटी, ठीक है। अगर त्रिज्या कम हुई तो फोकस दूरी बढ़ गई, तो नेत्र गोला का कम हो जाना, त्रिज्या का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये सब कारण जिसके होते हैं उसे बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं बेटा, दूरदृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए, अगर इससे अवतल का दूर हो रहा था अवतल से, तो इससे किससे दूर होगा बेटा, उत्तल दर्प, उत्तल लेंस, किस कौन सा लेंस। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मा अगर हम प्रयोग करेंगे तो दूरदृष्टि दोष हमारा आंखों से दूर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है बेटा, ये लगभग जो होता है वृद्धावस्था में होता है, बुढ़ापे में, ठीक है, वृद्धावस्था में होता है जरा दृष्टि दोष। तो हम लिख सकते हैं कि वृद्धावस्था में इस दोष में पहले तो होता क्या, तो इस दोष में ना तो पास का हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं ना दूर का, समझ आ रहा है, ना पास का हमें अच्छा दिखाई देता है और ना ही दूर का अच्छा दिखाई देता है, इसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ऐसा रोग जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। ना जरा पास का दिखाई देगा ना जरा दूर का दिखाई देगा, इसे हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। अगर पूछा जाए ये किस अवस्था में होता है, तो लगभग 16 प्लस जब हो जाते हैं लोग एजेड, ठीक, तब ये रोग हमारा आंखों पर आ जाता है। अच्छा, आने का कारण भी, अगर 60 प्लस हो गया तो उसके मांसपेशियां ढीली हो जाती है, आंख का जो लेंस होता है नेत्र लेंस वो मांसपेशियों पर लगा होता है, एक ये मांसपेशी, एक ये मांस, ये हमारा लेंस है। अब बुढ़ापे में ये क्या हो गई, ढीली हो गई, और जब ये ढीली हो गई तो यही वर्क करती है, समायोजन सुना है आपने, समंजन क्षमता जिसे नेत्र कहते हैं, दूर का देखेंगे तो फैला देती है लेंस को, पास का देखते हैं सिकोड़ देती है। अब ये बुढ़ापे में ढीली हो गई, जब ये ढीली हो गई तो ना ये सुकुड़ पाती है ढंग से और ना फैल पाती है ढंग से, इस कारण हमारा कौन सा रोग हो जाता है, हमारा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें ना तो पास की स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे ना दूर की स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, ऐसा दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। लगभग 60 यानी वृद्धावस्था में होता है, और कारण तो अभी हमने पढ़ा मांसपेशियों का ढीला हो जाना, ये कारण है जरा दृष्टि दोष का। अगर मांसपेशी व्यक्ति ढीली हो गई तो उसको दोष होने वाला है कौन सा, जरा दृष्टि दोष। अच्छा, इसमें लेंस कौन सा लगाएंगे, तो इसमें लगाते हैं द्वि फोकसी लेंस, जिसमें अवतल के भी गुण हो और उत्तल के भी गुण हो, ऐसा लेंस लगाते हैं किसमें, जरा दृष्टि दोष के निवारण में। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन से चश्मा, जिसमें द्वि फोकसी लेंस लगा हो, ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं तो दूर हो जाता है कौन सा दोष, जरा दृष्टि दोष हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्णांधता, क्या बेटा वर्णांधता, यह है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें सही रंगों की पहचान नहीं होती, व्यक्ति अगर छोटे छोटे रंग रख दिए जाएं, ठीक, बहुत सारे जिन्होंने मेडिकल दे रखा होगा मेडिकल टेस्ट उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि उन्होंने दे रखा है, ठीक है। या आप अपने फोन में गूगल कर सकते हो, गूगल करोगे जब कलर ब्लाइंडनेस तो उसमें काफी सारी इमेज बन के आएंगी, और इमेज के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड बने होंगे जो आपको दिखाए जाते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो आपके दोष नहीं है, नहीं दिख रहा है तो आपको दोष है। अगर ये दोष होता भी कैसे, तो ये जन्मजात होता है बेटा, ये जीन की कमी से होता है, एक्स जीन की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग, वर्णांधता, ठीक है। एक चीज और है, एक्स जीन की कमी से कुछ प्रभावित होता है जिस कारण ये रोग होता है, वो है सिराएं। हमारे पास दो सिराएं होती हैं आंखों पर, एक होती बेलनाकार, एक होती शंकु आकार। जो शंकु आकार की सिराएं होती हैं जब वो प्रभावित हो जाती हैं तब हमें रोग हो जाता है वर्णांधता, कौन सा हो जाता है बेटा, वर्णांधता होता है। अगर इसका कहें निवारण, तो इसका कोई निवारण नहीं है, प्राकृतिक चीजें हैं, आप खाएंगे पिएंगे अच्छे होंगे, हो सकता है कि एक्स जीन की कमी ना हो आपके अंदर, अगर ये सिराएं मजबूत हो जाए तो हमें रंगों की क्या होगी, पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रोग होता है ये जन्म से होता है, माँ बाप से आ जाता है, ठीक है। तो वर्णांधता इसमें सही रंग लिख सकते हैं, ये ऐसा रोग है जिसमें सही रंगों की हम क्या नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका कारण है शंकुआकार जो हमारी सिराएं होती हैं आंखों पर, वो क्या होती, प्रभावित हो जाती हैं, सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, किस कारण, एक्स जीन की कमी के कारण कार्य नहीं करती, ठीक है। तब ये हमें क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद में क्या होता है बेटा, ये लगभग अब हम लोग देख रहे हैं 45-40 एज में हो जाता है लगभग लोगों के नाम, मतलब आपसे अगर हम कहें तो 90% लोगों के अभी ये मोतियाबिंद। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण कुछ नहीं है, मोतियाबिंद में पहले परिभाषा क्या लिखेंगे, तो परिभाषित कर सकते हैं कि इस दोष में मनुष्य को धुंधला दिखाई देता है,
क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। आंखों पर जो कॉर्निया लगी होती है ना बेटा आगे की, जैसे फोन में टेम्पर्ड लगाया जाता है ताकि अंदर का ग्लास गंदा ना हो, ऐसे ही आंख पर कॉर्निया लगा होता है टेम्पर्ड के रूप में। हमारी इस प्रकार की आंख होती ना आगे से, और ये होता है टेम्पर्ड हमारा, ठीक है। जब हम फोन चलाते हैं तो घिसते घिसते क्या होता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ही जब 45 साल की एज चली जाती है ना, तो एक कॉर्निया देखते देखते आगे क्या होती है, गंदी, मतलब उसके अंदर धुंधला हो जाता है आगे से। और जब वो आगे धुंधला हो जाता है तो व्यक्ति हमें क्या होता है, दिखाई कम देखता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद में मनुष्य की आंखों पर दूधिया रंग का, मतलब हल्का पीला, ठीक है, रंग का जाला जम जाता है, ठीक, जिससे व्यक्ति को साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और इसका निवारण सब जानते हैं, कई सारी विधियां, फेको विधि है, ठीक है, ऑपरेशन द्वारा क्या कर सकते हैं हम, कॉर्निया की सफाई करा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। इसकी विधियां तो काफी सारी हैं जो मार्केट में हमारे। अविंदुकता, ये लोगों के, देखो जब हम कोई ऐसी चीज देख रहे होते हैं जिसमें दो प्रकार की रेखाएं निकल के, तरंगे निकल के आ रही होती हैं, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी, तो जिस व्यक्ति के ये रोग होगा ना अविंदुकता, उस व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, कुल मिला के ये बोला जा सकता है, ये दोनों रेखाएं एक साथ हमें नहीं दिखाई देंगी। अगर ये दोनों एक साथ गुजर रही हैं, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी, तो एक साथ ये क्या होंगी, दिखाई नहीं देंगी, अलग अलग दिखाई नहीं देंगी हमको, तो उस व्यक्ति को रोग हो जाता है अविंदुकता। कारण, तो इसका कारण है बेटा कॉर्निया का गोलाकार ना होना। अगर कॉर्निया हमारी चपटी अपटी हो गई, समझ रहे हो, तो आपको ये रोग है। ये बहुत कम, मतलब समझ लो अगर हम बोले तो 5% वाला सीन है, ठीक है। तो कॉर्निया का गोलाकार ना होने की वजह से व्यक्ति को हो जाता है अविंदुकता। इसमें व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता है, ठीक है। निवारण के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉर्निया हमारे गोलाकार कर दें अपने आप, इसमें बेलनाकार लेंस लगा देते हैं। कैसा लेंस लगा देते हैं, चश्मे में यदि हम बेलनाकार लेंस लगा दें, ठीक है, अगर हम बेलनाकार लेंस लगा देते हैं तो क्या कर देती है, कॉर्निया को गोलाकार महसूस कराने लगती है, जिससे हमें क्या होती, दिखाई देती है। तो इसके निवारण हेतु चश्मे पर बेलनाकार लेंस लगाकर ये दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। रतौंधी, ये पहले लोगों को बहुत हो जाती थी, ठीक है, अब तो थोड़ा कम कम है, पहले काफी हो जाती थी, ठीक। और ये लगभग ये हम सब जानते, रतौंधी में क्या होता है, रात को कम दिखाई देता है, किसी किसी को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और दिन में साफ सुथरा दिखाई देता है। कारण बताते हैं आपको, जो हमारी सिराएं होती ना, प्रकाश सिराएं, हमने बताया दो प्रकार की होती हैं, एक बेलनाकार होती है और एक शंकुआकार होती है। तो जो बेलनाकार होती है, शंकुआकार तो हमने पढ़ लिया, कलर की पहचान करवाती है, तो उससे रोगी वाला है। जो बेलनाकार बची, जो बेलनाकार सिरा थी, वो क्या करती है, वो हमें रात में देखने में सहायता करती है। रात में प्रकाश कम होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम बेलनाकार सिराओं द्वारा क्या होती है, ये वर्क सुचारू रूप से अगर कार्य कर रही है तो व्यक्ति को रात दिन सब में दिखाई देता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही तो रात में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारी बेलनाकार सिराएं होती हैं, अगर वो प्रभावित हो गए, वो प्रभावित होती है विटामिन ए की कमी से, आप सब जानते हैं, ठीक है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, सुना है ना, कक्षा एक में, दो में, चार में, पांच, छह में जब भी पढ़ा होगा आपने, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से जो बेलनाकार सिरा होती है वो कमजोर हो जाती है, जब इसको नहीं मिलता सुचारू रूप से, ठीक है, विटामिन ए, तो ये कमजोर हो जाती है, जिस कारण रात में हमें क्या होता है, कम दिखाई देता है, और यही सिरा में रात में देखने में क्या करती, सहायता करती है। तो जिसकी सिराए सुचारू रूप से कार्य नहीं करती बेलनाकार, उसे क्या हो जाता है, रतौंधी रोग। इसको दूर करने के लिए विटामिन ए की मात्रा बढ़ाइए, ठीक है, खाइए और बढ़ाइए, और रतौंधी रोग दूर हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी सिराएं प्रभावित होती है, बेलनाकार सिराएं प्रभावित होती हैं, जिससे क्या होता है, हमें रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक। पूछा जाए बेलनाकार सिराएं किस काम आती हैं, तो रात में देखने के काम आती हैं, ठीक। एक और सिरा होती है शंकुआकार, वो किस काम आती है, तो रंगों की पहचान कराने में काम आती है, ठीक है। ये थे आपके रोग कैसे होते हैं, कारण बता दिया, इनका निवारण कैसे करते हैं ये पढ़ लिया हमने, इसके आगे का टॉपिक आगे पढ़ाएंगे आपको।